अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समिया और आप देख रहे हैं सैम डॉट फूड डायरी। आज हम बनाएंगे सूफियाना बोटी, जिसके लिए हमें चाहिए होगा गोश्त, चाहिए हमें 1 किलो, बादाम चाहिए हमें 4 चम्मच, काजू चाहिए हमें 4 चम्मच, धनिया पाउडर चाहिए 2 चम्मच, दही चाहिए हमें आधा कप, क्रीम चाहिए हमें आधा कप, लाल मोटी मिर्च चाहिए हमें 3 चम्मच, नमक चाहिए हमें 3 चम्मच, अदरक का पाउडर चाहिए हमें 1 चम्मच, लेमन जूस चाहिए हमें 3 चम्मच, गरम मसाला 2 चम्मच, ज़ीरा चाहिए हमें 2 चम्मच और लहसुन चाहिए हमें 3 चम्मच, ऑयल चाहिए हमें 3 चम्मच, पपीता पेस्ट चाहिए हमें 1 चम्मच और बैम्बू स्क्वायर चाहिए हमें, जितनी आपको ज़रूरत होगी उतनी देख लीजिए। एक पैन लें, उसमें ये मिर्ची डाल लें मोटी, बादाम डाल लें, काजू डाल लें, धनिया डाल लें, ज़ीरा डाल लें। अब इनको 5 मिनट के लिए आपने भून लेना है। जब हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो बस इसको आप उतार लें। फिर ये देखिए हल्की हल्की स्मेल आने लग गई है अभी इसमें से। 5 मिनट हो गए, रेडी हो गए। ये अब इसको निकाल लेंगे हम। ये देखिए अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ये देखें इसको अभी हम ग्राइंड कर लेंगे, सही से ग्राइंड हो जाएगा। ये हो गया ग्राइंड। ये देखें अब एक जूसर लेंगे, उसमें हम क्रीम डालेंगे, 1/2 कप क्रीम हमने ली थी वो डालेंगे। दही डालेंगे जो हमने लिया था, दही वो डालेंगे। और ये सब मिर्ची में मैं भूल गई थी, ये भी डालेंगे। और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया अच्छे से जूसर में। ये देखिए एक पेस्ट बन गया। अब गोश्त डाल दें इसमें। इसमें अदरक का पाउडर डाल दिया हमने, नमक डाल दिया, लहसुन डाल दिया, गरम मसाला डाला है, ये मिक्स मसाले जो हमने भी ग्राइंड किए थे, और ये जो हमने भी पेस्ट बनाया था ये डाल देंगे। ये देखिए पपीता पेस्ट हम लोग अभी नहीं डालेंगे, वो हम गोश्त को पकाने से 2 घंटे पहले डालेंगे। ऑयल डाल देंगे, लेमन जूस है वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से मसाला लग गया, इसको मिक्स कर लिया हमने अच्छे से। अब इसको कवर करके हम लोग तकरीबन 24 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, सुबह निकाल लें। ये देखिए अभी पकाने से 2 घंटे पहले मैंने इसमें पपीता पेस्ट डाला है। मिक्स कर लिया अच्छे से। अब जो हमारे पास स्टिक्स थी इसमें हमने पानी डाल दिया 2 घंटे पहले और इनको 2 घंटे के लिए भिगो लिया है। अब ये स्टिक्स पे हम डाल देंगे।
इनको भिगोया इसलिए हमने, क्योंकि इसको भिगोएंगे तो फिर ये लकड़ी है ना तो ये जलेगी नहीं। बस ये अब इसमें आपने डाल देना है। इसका आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बारबेक्यू की सहूलत है घर में तो ये आप लोग कोयलों पे भी पका सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी लगा दी। अब एक कढ़ाई ले लें या फ्राई पैन हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें ही डालें। थोड़ा सा ऑयल डालें, तकरीबन 3 चम्मच के बराबर ऑयल डाला है मैंने। इसमें ये स्टिक्स रख देंगे हम। चूल्हा बहुत आहिस्ता नहीं करना और बहुत तेज़ भी नहीं करना, मीडियम पे रखना है। अब इनको पलट लेंगे। ये देखें सबको पलट लिए, हल्की हल्की रेड हो गई हैं। अब इनको मैंने निकाल के और डाल दी हैं। एक हॉट पॉट में आप डाल लें या किसी भी चीज़ में डाल लें। ये देखें ये कैसे रेड होती जा रही है, मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है बहुत अच्छी सी। मैंने सब निकाल ली थी, अभी दोबारा से मैंने ऑयल डाला है और इसमें जो मैंने सारी निकाली थी वो सब डाल रही हूँ। मैं हार्ड पार्ट में डाली थी ये सब इसमें डाल दिए, क्योंकि कुछ देर के लिए इनको हम दम में रखेंगे ताकि गोश्त सही से गल जाए। ये देखिए इनको हम ऊपर नीचे कर लेंगे अच्छे से। इस पे ढक्कन रख देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तब तक हमारा कोयला जो है तो वो गर्म हो जाएगा। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हम कोयला रख देंगे। इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे 1 चम्मच के बराबर, ताकि इसके धुएं की खुशबू सारी इन स्टिक्स को लग जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा धुआं हो गया। 5 मिनट हो गए, अब हम कोयला हटा लेंगे और ये हमारी बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। आप टेस्ट करें, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।